इस दिलचस्प प्रयोग में हम बॉयल के नियमों का कई तरह से सत्यापन करेंगे। इसके लिए आपको चार बड़े सिरिंज चाहिए 60 मिलीलीटर एकदम ब्रांड न्यू, और कुछ गुब्बारे चाहिए। एक गुब्बारे में थोड़ा सा पानी भरें, केवल थोड़ा सा, उसके बाद में गांठ मार के उसकी छोटी सी एक गेंद बनाएं, और बस गेंद इतनी बड़ी हो कि वो सिरिंज के बैरल के अंदर आसानी से चली जाए। गांठ का जो अतिरिक्त भाग है उसको काट के अलग कर दें। दूसरे गुब्बारे को हवा से भरें, छोटी सी एक गेंद बनाएं हवा की, और उसमें भी गांठ लगा करके गांठ को अतिरिक्त हिस्सा काट दें। दाईं तरफ दो गेंदें हैं पानी से भरी हैं, बाईं तरफ दो गुब्बारे हैं जो हवा से भरे हैं। ये देखिए 60 मिलीलीटर का एक सिरिंज है। आप इसके प्लंजर को बाहर खींच के निकाल सकते हैं और इसके अंदर एक गुब्बारे की गेंद को डाल दीजिए, और उसके बाद में आप पिस्टन को दोबारा फिट कर सकते हैं। इसी तरह से हम चार बार प्रयोग करेंगे। कभी बैरल में पानी होगा, कभी नहीं होगा, कभी गुब्बारे में पानी होगा नहीं होगा। ये पहला प्रयोग है जिसमें गुब्बारे में भी हवा है और सिरिंज में भी हवा है। देखिए क्या होता है इसका, थोड़ा हम इसका एक बड़ा व्यू देखते हैं। जब हम प्लंजर को अंदर घुसाते हैं तो हवा से भरी हुई गुब्बारा एकदम सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और जब हम प्लंजर को बाहर खींचते हैं तो वही गेंद बड़ी और बड़ी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि हवा को हम कंप्रेस कर सकते हैं। दूसरे के अंदर जो गुब्बारा है वो पानी से भरा हुआ है। आप चाहे कितना खींचें या बाहर प्लंजर को निकालें, गेंद को कुछ भी नहीं होता। इसको और ज़रा एक बड़े व्यू में देखिए, यहाँ पर गेंद पानी से भरी है। आप चाहे कितना भी कंप्रेस कीजिए, पानी दबता नहीं है, और चाहे आप प्लंजर को बाहर खींचिए, गेंद का आकार वही रहता है, क्योंकि पानी कंप्रेस नहीं हो सकता, दब नहीं सकता। तीसरे के अंदर गुब्बारे में हवा है और सिरिंज में पानी भरा है। अब इसका मज़ा देखिए, आप एक बड़े व्यू के अंदर देखिए इसको। यहाँ देखिए गुब्बारे में हवा है, जैसे आप प्लंजर को अंदर दबाते हैं गेंद हवा की गेंद सिकुड़ के एकदम छोटी हो जाती है, और जब आप प्लंजर को बाहर खींचते हैं तो हवा की गेंद बड़ी और बड़ी विशालकाय हो जाती है, क्योंकि हवा खींच सकती है, दब सकती है। चौथे में गेंद के अंदर भी पानी है और सिरिंज में भी पानी है। अब तो ये टस से मस नहीं होता। इसको आप बड़ा व्यू देखिए इसका। आप चाहें प्लंजर को कितना भी अंदर क्यों ना दबाएं, गेंद का आकार वही रहता है, और आपका प्लंजर टस से मस हिलता भी नहीं, प्लंजर भी नहीं हिलता। इसका मतलब है कि पानी कंप्रेस नहीं होता, दब नहीं सकता। यहाँ पर आप इन बच्चों को देखिए, ये सच में सही मायने में विज्ञान सीख रहे हैं, करके विज्ञान सीख रहे हैं, और तभी वो अच्छी तरह से विज्ञान की अवधारणाओं को समझेंगे।